लोनी के बंतला गांव की गौशाला में जहरीला चारा खाकर 9 गाय और 2 बछड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने 17 गाय की जान बचाई। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, भारी पुलिस बल के साथ लोनी सीओ और तीनों थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेकर पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वही काम करने वाली सरिता का कहना है कि चारा लोनी से आया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कितना गिरा हुआ है आपका जी? मेरा नाम सरिता है। इस गौशाला की देख रेख आप ही करते हैं? मैं ही करती हूँ। कितने सालों से कर रही हैं? जब से ये गौशाला बनी जब से मैं ही करती हूँ। 10 साल से कम से कम। आज क्या घटना हुई? पता नहीं क्या हुआ, बस चारा काट के गिरा है और खाने के बाद थोड़ी बहुत देर के बाद ही हंगामा हो गया। एक गिरी तो मैंने सोची किसी ने टक्कर मार दी तो वो खत्म हो गई। दूसरी गिरी मांगे किसी पर चढ़ उड़ के गिर गया होगा बछड़ा। जब लाइन लग के गिरी है जब पता चला मुझे तो ये गिर कैसे रही है। फिर डॉक्टर साहब बुलाए हैं, सुबह से लेकर 4 डॉक्टर इसी में बिजी हैं। कितने तो, कितने गायों की मौत हो गई? 10-11 की तो हो गई। 10 गाय एक बच्चा? 11 10 गाय का बच्चा। एक बच्चा तो उससे मरा, वो खींच के निकाला। आप यही रहते क्या गौशाला में? नहीं मैं गौशाला में हूं, मैं बम हूं, मैं उस मुख्य पे हूं। या आप ही देखती हैं सारा कुछ? देखभाल नहीं, सारा कुछ नहीं देखती हूं, कोई नहीं देखता, सब काम करने देखना ही करता। और जो आपने खिलाया उसको, जो चारा खिलाया आपने, जिस दुकान से आता था उसी से कंटिन्यू आ रहा था? नहीं, मंडी से आया था कहीं से। अच्छा, मंडी कहीं से थोड़ा कहीं कोई मिलना दे। ट्रॉली खरीद के आई थी, ये पता कहां से मंगाई थी? लोनी से। ये भाई को पता था? लोनी से तो बता देगा, मुझे नहीं पता। मैं बेकार का लोनी से लेके उसको रेडी वाला जो रहा वो हां जा ले जाता था ले आते। हां उस पे नंबर है उसके सारे, अभी तो बता रहे हो। हां भाई पे है सब कुछ पता है। हां उस पे नंबर आएंगे सब। ये चारे भी पॉइजनिंग की वजह से केस हुआ है। सुबहरे 11 बजे से हम लगे हैं यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। 8 के आसपास गाय मर चुकी है, 20-22 थी और बाकी सब 45 अपनी दवाई वही लगा। जैसा कि बता रहे हैं खाने में कुछ ऐसा मिल गया है, इसमें क्या कहना है आप, क्या राय है? चारे में है कोई दिक्कत था, जो चारा था उसमें खराब दिक्कत है, पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा क्या।